इंदौर में बुधवार देर रात भाजपा नेता के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। इसके बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया और ट्रक में आग भी लगा दी। उन्होंने मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों से भी मारपीट की। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। घटना के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए। किशनगंज के पिगडम्बर में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ने चिन्हित आरोपियों के अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीएम पवन जैन और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद है। जानकारी के अनुसार किशनगंज के पिगडम्बर इलाके में बुधवार देर रात सुजीत ठाकुर अपने दोस्तों के साथ राव की होटल से लौट रहा था। वह पास ही हो रही एक बोरिंग के पास पहुंचे। यहां रहने वाले कुलदीप पवार ने धूल कम उड़ाने के लिए कहा। इस पर सुजीत और कुलदीप का विवाद हो गया। सुजीत ने महू से कुछ लोग भी बुलवा लिए। सभी ने मिलकर कुलदीप पर हमला कर दिया। वह भागते हुए फोर लेन तक आ गया। यहां पहले से मौजूद हथियारबंद लोगों ने सुजीत और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। इसमें सुजीत के पेट और सीने में चाकू लगने से मौत हो गई। हमले में पिंटू वीरेंद्र माधु चौहान, जगदीश चौहान, कुलदीप पवार और धर्मेंद्र जानवार घायल हुए हैं। सभी को गंभीर हालत में चौथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुजीत भाजपा के पूर्व ग्रामीण उपाध्यक्ष उदल सिंह ठाकुर का बेटा है। किशनगंज में एक तरफ राव तो दूसरी तरफ सोनवाया टोल तक 2 घंटे तक करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रात भर अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। उनसे मारपीट भी की गई। एक ट्रक में आग भी लगा दिया गया। इसका वीडियो बना रहे लोगों के मोबाइल छीन कर फेंक दिए गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया। घटना में पुलिसकर्मी व मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं। देर रात तक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए रहे। आपको बता दें, पिगडम्बर में हुई घटना के बाद सोशल मीडिया पर राजस्थान का फेक वीडियो चलाया जा रहा था, जिस पर इंदौर एडीएम पवन जैन ने कहा कि फेक वीडियो चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। और ये घटना का जो मूल अपराधी था राजू खटीक, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की भी तलाश जारी है। 2 स्थानों पर उसके जो निर्माण थे अवैध, वो हटाए गए हैं। एक गार्डन की भी जानकारी आई है, उसकी भी जानकारी पूरी ले रहे हैं। लेकिन कोई भी अपराध और अपराधी कितना भी बड़ा हो, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।